दोस्तों नमस्कार, मैं हुसैन इलाहाबादी और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और कितने तरह से होता है, इसका हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे या कैसे लिखना है, तो हम वो सारी बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हमें समझना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना है कि ये होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब ध्यान समझिए इसको, ये बना है प्रश्न और वाचक और वाक्य से। मतलब अगर इसको हम देखें तो यहां पर तीन शब्द हैं, एक है प्रश्न जो हमने नीचे लिख दिया है, दूसरा है वाचक और तीसरा है वाक्य। प्रश्न वाचक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जो प्रश्न वाचक मीन्स पूछने वाले, वाक्य मीन्स वाक्य होते हैं। तो यहां पर हम फिर से लिख देते हैं, प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न या जानकारी, वाचक मीन्स पूछने वाले, जानकारी पूछने वाले या लेने वाले, और वाक्य मीन्स वाक्य। तो ऐसे वाक्य जो जानकारी लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे वाक्य जो जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया? प्रश्नवाचक वाक्य। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अगर अब हम बात करें प्रश्नवाचक वाक्य के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो भाई टाइप्स में आप जनरली दो टाइप पढ़ते हैं। जनरली आपको दो टाइप ही बताया जाता है। पहला होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भाई अब इसको हम समझते हैं, या अब हमें देखना है, समझना है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इधर रफ करता हूं और आगे मैं समझाता हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, इसका मतलब है यस मीन्स हां, नो मीन्स नहीं, टाइप मीन्स प्रकार का, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्न वाचक वाक्य, हाँ या नहीं प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हाँ नहीं में दिया जा सकता है। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या नहीं बोलकर दिया जा सकता है। किसी ने आपसे पूछा तुम बाजार जा रहे हो क्या, या क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो आपने बोला हाँ। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, आपने बोल दिया हाँ। क्या तुम सो रहे हो, आपने बोल दिया हाँ। लेकिन इस वाले में उत्तर गलत हो जाएगा, सो रहे हो तो बोल कह सकते हो, सोचने वाली बात है। तो ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम सिर्फ हाँ या नहीं बोलकर दे सकते हैं, यस या नो बोलकर दे सकते हैं, ये कहलाते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमेशा हिंदी में
ये हमेशा क्या से शुरू होते हैं, हिंदी में किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, हिंदी में क्या से शुरू होंगे, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो ये हुए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो, हिंदी में क्या से शुरू है, अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और ये क्या है। तो ये होते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। बात समझ में आ गई, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां पर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। सबसे पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद यू, ये क्या है, सब्जेक्ट है, फिर क्या आएगी, मेन वर्ब, फिर जो भी अदर वर्ड्स होंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो भी हो, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये भैया हो जाएगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव की। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव की, तो इसको रफ करता हूं। भैया डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है वो समझना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य ये भी होते हैं, प्रश्न पूछने काम में आते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू, तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है यहां पर समझना है इसको भी। वाई, वेयर, वेन, वाट, ऐसे शब्द जो या तो W से शुरू होते हैं या तो H से शुरू होते हैं। W से हो गया वाई, वेयर, वेन, फिर उसके बाद हु, है ना, हु भी W से शुरू होता है। अगर H से H वाले की बात की जाए तो सिर्फ हाउ होता है, मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सब W से शुरू होते हैं, हु, वाई, वेन, वेयर, ठीक है, ये सब। और सिर्फ एक वर्ड है जो ऐसे शुरू होता है जो कि है हाउ। व्हाट भी डब्ल्यू से शुरू होता है ना। तो ये होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड शुरू होते हैं, इंग्लिश में डब्ल्यू एच वर्ड शुरू होंगे, किसमें, इंग्लिश में। अगर अंग्रेजी की बात करो तो ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, और अगर हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है। अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, डब्ल्यू एच वर्ड शुरू होंगे, और हिंदी में इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। अब अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में आपको मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, या पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे वेयर आर यू गोइंग,
तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? अंग्रेजी में शुरू है ये क्वेश्चन वर्ड से, वेयर से, और हिंदी में देखिए बीच में कहां आ रहा है, हिंदी में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है कहां। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड से और इनके बीच में हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा हिंदी अगर वाक्य लिखा हुआ है तो। स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिए, वेयर मतलब क्वेश्चन वर्ड, स्ट्रक्चर सेम होता है जैसे पहले आपने अभी यस नो टाइप वाला देखा था, वही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसी स्ट्रक्चर के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और डूलिच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव, बेसिकली यही दो टाइप इंट्रोगेटिव आपको पढ़ाए जाते हैं और जो आपके सिलेबस में दिया होता है, चाहे वो 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो या उसके बाद भी नॉर्मली यही चीज़ें होती हैं। कुछ एक बुक में आपको 6 तरह के इंट्रोगेटिव मिलेंगे लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं आपको, और वो जो 6 टाइप इंट्रोगेटिव हैं वो फिर हम कभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।